इश्क दरिया में उड़ता है तूफान जब जिंदगी के नजारे ठहर जाते हैं। वाह वाह क्या बात। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के नेता 90 साल की उम्र में शादी किए, ये तो भाई बहन का रिश्ता भी शर्मसार और बिरहा जगत भी शर्मसार हुआ है। दोनों खान में अगर कोई गद्दारी करता है आपराधिक करता है लोग कहते हैं खानदान खातिन के दाग हो गए, की उपज है वो, इसलिए बिरहा दागदार हुई है आज। बहुत बहुत कवि जी स्वागत है, आप युवा कवि हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों का आगे चल के बिरहा जगत में जो है बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। जी बहुत बहुत नमस्कार संतोष जी आपका, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ इन सारी चीज़ों को लाना। और जैसे कि आपने पूछा कि बिरहा जगत में जो शर्मसार वाली घटना इस वक्त चल रही है, तो बिरहा जगत तो शर्मसार हुआ ही है, और ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिरहा जगत शर्मसार नहीं हुआ है, तो बिरहा जगत शर्मसार तब नहीं होता जब सुधीर राम यादव 31 साल की किसी गैर लड़की से प्रेम करके शादी कर लेते, तो बिरहा जगत शर्मसार नहीं होता। बिरहा जगह यहाँ सवाल फंसा है कि सुधीर राम यादव अपनी रिलेशन की बहन से शादी किए हैं, तो एक कलाकार वह भी जो अपने आप को एक साधु बनते हैं, संत बनते हैं, अगरानंद महाराज के शिष्य बनते हैं, वह अपनी बहन से शादी किए, इसके नाते बिरहा जगत मानते हैं कि हमारे बिरहा के बहुत महान कवि चंद्रिका उस्ताद ने एक लाइन लिखा था कि इश्क दरिया में उड़ता है तूफान जब जिंदगी के नज़ारे ठहर जाते हैं। वाह वाह क्या बात है कवि जी। तो जब इश्क अगर हो गया तो कुछ दिखता नहीं अगल बगल, ये मानता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बहन से शादी कर लेना ये तो बिरहा जगत के लिए वाकई शर्मसार वाली बात है। सुधीर राम यादव किसी और लड़की से शादी करता तो ये तो तमाम लोग कर रहे हैं, ये समाज में चल रहा है, ऐसे लोग कर रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के नेता 90 साल की उम्र में शादी किए, ये तो चल रहा है, लेकिन अपनी बहन से नहीं किए। बहन से करने का मतलब कि रिश्ते को भी नापाक किया गया, रिश्ता भी शर्मसार, भाई बहन का रिश्ता भी शर्मसार और बिरहा जगत भी शर्मसार हुआ है, दोनों हुआ है। यहाँ पर रिश्ते पर भी काली कूद गई, भाई बहन के नाम पर तू है शर्म है ऐसे कलाकार। आप ऐसे बोल रहे हैं कहीं आप ही का ना विरोध होने लगे, कोई मेरा विरोध, हमारा विरोध हो रहा है। देखिए संतोष भाई, विरोध करना पक्ष विपक्ष दो बना है, विरोध करना जिसको विरोध करना है करे, लेकिन मार्केट में समाज में वही बात बोली जाती जो सच्चाई हो। सुधीर राम यादव मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी गैर लड़की से अगर विवाह करते तो मैं खुद आपको कहता कि आपने गलत बोला है, बिरहा जगत शर्मसार नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं किसी से प्रेम चल रहा है किसी का, किसी से कोई संबंध है उससे मतलब नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन इसने रिश्ता को भी इसमें घसीटा है। बिरहा गायक समाज का आईना होता है ना, भाई बहन के की घटनाओं पर कुछ कांड भी सुधीर राम ने गाए होंगे ना, भाई बहन के रिश्ते को दर्शाया, आज क्या कर दिए, गलत किए हैं ये। इसमें दो चीज शर्मसार हुई है, रिश्ता और बिरहा दोनों शर्मसार हुई, क्योंकि उपज बिरहा की है, वो सुधीर राम यादव बिरहा की ही उपज है। एक खानदान में अगर कोई गद्दारी करता है आपराधिक करता है लोग कहते हैं खानदान खातिन के दाग हो गली, एक मछली तालाब को गंदा करती है ना, यही सत्य है, वो बिरहा की उपज है, वो इसलिए बिरहा दागदार हुई है आज। तो आखिरकार सत्य क्यों नहीं बोल रहे हैं, और देख लीजिए सत्य की लड़ाई है इस समय, और जो है कि सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी ही सही। देखिए ऐसा बात है कि कुछ लोग राजनीतिक भी करते हैं ऐसे मामलों में, और जो लोग आज सुधीर राम यादव का सपोर्ट कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं वह करें, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती फूलों के आड़ों में, कभी सच्चाई आएगी सामने और आ रही है सामने। हमारे कहने का मतलब एक व्यक्ति के कहने से कि बिरहा जगत शर्मसार नहीं हुआ, इसी पत्रकार के कहने से नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति के कहने से बिरहा शर्मसार नहीं, ये पत्रकार गलत, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच है वही रहेगा, सुधीर राम यादव ने गलत किया है। और मैं आपके चैनल से तमाम श्रोताओं को सुनने वाले से यह अपील करता हूँ, कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं यही अपील करता हूँ कि ऐसे कलाकार का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद गलत करता है तो मंच पर खड़ा होकर मुझे और आपको अच्छा संदेश कैसे दे सकता है वो आदमी, जब वो खुद गलत है तो अच्छा संदेश हमें और आपको कैसे देगा, कोई बता दे, कोई बड़ा से बड़ा कलाकार बता दे। और बिरहा के लिए जो लोग आज कह रहे हैं कि बिरहा सही, बिरहा के लिए उसने वो किया गलत किया, बिरहा शर्मसार ने, बिरहा के लिए वह कितना किए हैं ये पहले बताएं। आज उभरते हुए कलाकारों का जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं, उनको समाज में लाते हैं, दिखाते हैं, लाखों लोग देखते हैं, उस कलाकार को एक पहचान मिलती है। ये बड़े बड़े जितने भी कलाकार, कोई सांसद बना,
बिरैया सांसद बने, बिरैया मंत्री बने, बिरैया तीन तीन चार चार बार MLC बने, लेकिन ये किसी कलाकार के लिए कोई कुछ किए हैं? कोई बता दे। आज रामदेव उल्लू के ज़माने के जो पार्टी वाले थे, साज वाले थे, उनको कम से कम पेंशन मिलना चाहिए साहब। पूरी जिंदगी उन्होंने विराह के लिए लगाई है। आज जो नहीं, आज जो पुराने कलाकार नहीं गा सकते हैं, घर पे बैठारू हो गए, मंत्री हो गए। एक बात और है कि नाम लिया जा रहा है कि पद्मश्री हीरा जी का जी। स्वर्गीय पद्मश्री हीरा जी का जाके उनकी जो है औरत जिंदा है अभी भी जी। और जाके कभी पूछे हैं, जाके वो लोग कभी पूछे हैं, उनकी जो यश भारती मिला था, अखिलेश यादव जी ने जो यश भारती से सम्मानित किया था, नवाजा था, पेंशन मिलती थी, वो पेंशन में बंद हो गई। उसके लिए कभी आवाज़ उठाए हैं? बहुत दिग्गज कलाकार हैं, नेता भी लोग हैं। नहीं, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसके लिए इसलिए आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जवाबदेही करना पड़ेगा कि आपसे क्या मतलब है। वहाँ मतलब वाली बात देखी आती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बिरहा के जो उपज हैं उनको बिरहा के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि भविष्य का अगर इस सुधाई राम यादव जैसे कलाकार रहेंगे तो भविष्य में बिरहा बलात्कारी बिरहा हो जाएगी। यही सत्य है। अगर सुधाई राम यादव जैसे कलाकार का आज बहिष्कार नहीं हुआ तो भविष्य की बिरहा बलात्कारी बिरहा हो जाएगी। इसका बलात्कार होना ही है, इसको कोई नहीं। देखिए, हमारा खुलेआम लोगों ने विरोध किया है, कई लोगों ने हमारा खुलेआम विरोध किया है, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, चलिए करिए विरोध, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमने एक पक्ष को दिखाया है तो दोनों पक्ष को दिखाया है। आप उन दोनों पक्षों को अगर आप देखे होंगे, 10 वीडियो डाला हूँ उनके बारे में यहाँ से लेके वहाँ तक, आपको क्या सच्चाई उसमें से निकल के आई? क्या सुधाई राम गलत है या मैं गलत हूँ? नहीं, देखिए, सच्चाई तो उसमें यही निकल कर आई है कि सुधाई राम यादव ने जिस प्रकार से परिवार का शोषण किया, लड़की के साथ किया, माता पिता को मारा पीटा, जबरदस्ती उनकी जमीन हड़प ली, ये तो गलत है। यह तो गलत है उनका, क्योंकि एक शादी के नाम पर लोग कह रहे हैं ना विरासत अनुसार नहीं है, लेकिन जो शोषण किया उस पर क्या बोल रहे हैं लोग? लो जमीन हड़प लेना, उसकी माता पिता, उसके माता पिता, उसके भी माता पिता थे ना, उसको मारना पीटना, ये तो गलत है उनका। यह गलत उन्होंने किया है और इसमें मैं आपका फुल सपोर्ट करता हूं, और ऐसे कलाकार को बहिष्कार करने की समाज से मैं हाथ जोड़ करके अपील भी करता हूं। इनका कहीं प्रोग्राम मत करवाइए, कोई इनको अपने कार्यक्रम में बुलाइए मत, तब इनको समझ में आएगा कि हमने किया क्या है, बिरहा से पाया का और बिरहा को हमने कहाँ पहुँचा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे एक युवा कवि जी हैं, युवा कवि हैं, अब इनका एक जो है गाना भी हमने सुना, गायक भी बने। नहीं, बस एक चीज़ मैं बता दूं आपको संतोष भैया, कि समाज में भोजपुरी में इतनी गंदगी है, देखिए मैं थोड़ा सा ओपन बता रहा हूँ, इतनी गंदगी हो गई है कि यहाँ से लेकर ढोंडी तक जा करके भोजपुरी वाले रुके, अब इसके नीचे कहाँ जाएंगे मैं अपने शब्दों से नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं एक स्वच्छ समाज, स्वच्छ भोजपुरी गीतों को समाज में लाने के लिए मैंने एक चैनल बनाया, BS भोजपुरी म्यूजिक। BS कहीं हमारे बड़े हमारे पिताजी हैं बनारसी, और सतीश मेरा नाम है। BS भोजपुरी म्यूजिक नाम से मैंने एक चैनल बनाया, और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि साफ़ सुथरी गीतों को समाज में लाना, स्वच्छ गीतों को फुअरकम से दूर रखना, भोजपुरी को बचाना है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने अब जो है कवि से गायक बन गए इसके लिए। तो चलिए, हमारे साथ युवा कवि है सतीश यादव जी, तो इनसे हमने प्रतिक्रिया जानना चाहा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस युवा कलाकार ने जो कहा वो सही है आपके नज़र में या गलत है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।